रास्ता नहीं बचा है खालिद। लेकिन समझ में नहीं आता इस बुड्ढे को मारने के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। ये तो मेरे बाबा जान की तरह है, सिर्फ बोलता है और कुछ नहीं करता। क्या हमारा? मगर तुम्हें इन सब से क्या लेना देना खालिद, तुम अपने सिक्के लो और अपना काम करो। हाँ, मैं अपने सिक्के ले लूंगा और अपना काम करूंगा। चलो चलते हैं। खुदाया, मैं तेरी सभी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। लो बाबा, देखो कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सहरा के मुसाफिरों। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बनी तय से हूँ और अपने कबीले की तरफ जा रहा हूँ। बनी तय? क्या मैं तुम्हारे बुजुर्गों को जानता हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खालिद बिन मुस्लिम ताई है। अच्छा, तुम मुस्लिम के बेटे हो, उदय बिन हातम के भतीजे। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आपका नाम क्या है? मैं रसूल खुदा के चचा अब्बास का बेटा हूँ। इब्ने अब्बास, वही जिन्हें अरब का दानिश्वर कहते हैं? जिसने भी ये कहा, जर्रा नवाजी की है। अच्छा, तो इस सहरा में क्या कर रहे हैं आप? तुमने यकीनन सुना होगा कि इब्ने जुबैर खलीफा बन बैठा है। उसने मुझ पर सख्ती शुरू की और मक्के में नहीं रहने दिया मुझे। यानी मक्के से आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, मजबूरन मैं और मेरी बेटी ताइफ की तरफ जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कूफे से आ रहा हूँ, अपने कबीले की तरफ जा रहा हूँ। आदि बिन हातम की वफात की खबर कबीले को देनी है। क्या उदय बिन हातम अल्लाह को प्यारे हो गए? जी हाँ, 7 दिन पहले। अल्लाह मगफिरत फरमाए उनके, बड़े नेक आदमी थे। रोटी और लस्सी से मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकता हूँ। खुदा आपको बरकत दे अपने अब्बास, सच में आप एक करीम खानदान से हैं। मैं अभी एक आबादी से होकर गुजरा हूँ, मैंने खाने पीने की काफ़ी चीज़ें ली हैं, इसमें से कुछ आपको भी देता हूँ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ इब्ने अब्बास, मुझे जल्दी अपने कबीले की तरफ जाना होगा। खुदा हातम ताई कभी भला करे कि अपने खानदान के लिए भी सखावत मीरास में छोड़ गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो बेटे। कितना ज्यादा है। हाँ वाकई वाकई में वो सखी खानदान से था। रसूल खुदा ने हातम ताई की सखावत की वजह से उसकी लड़की को माफ कर दिया और कुछ लोगों के साथ उसे अदी बिन हातम के पास भेज दिया। अदी कौन थे, उन्होंने क्या किया? अदी तय कबीला के सरदार थे। उनके मदीने आने की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। क्या है वो खूबसूरत कहानी? जरा सा रुको तो। हातम ताई के मरने के बाद उसका बेटा अदी कबीले का सरदार बन गया। इस्लाम का सूरज तुलू होने के बाद हिजाज के कुछ कबीले अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए, मगर कुछ कबीलों की ये कोशिश रही कि मुसलमानों से दूर रहे। वो फरार कर जाते थे? हाँ, मक्के के कुछ मुशरिकीन ये अफवाहें फैलाते रहते थे कि जिससे
कुछ कबीले ये समझते थे कि रसूल खुदा उन्हें जबरदस्ती अपने साथ मिला लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मुसलमान तय कबीले की सराय के करीब से गुजर रहे थे। जब ये खबर अधी को मिली तो उन्हें लगा कि वो लोग उन्हें कत्ल करने के लिए आए हैं। लोगों को तैयार होने का हुक्म दिया और तेजी से शाम की तरफ फरार कर गए। क्यों भागना चाहते थे? अधी जवान होने के बावजूद ये जानते थे कि मुसलमानों के साथ जंग नहीं की जा सकती, मगर उनके कबीले के कुछ लोगों ने उनको बताए बगैर मुसलमानों पर हमला कर दिया और झड़प शुरू हो गई। जब अधी को उनकी शिकस्त की खबर मिली तो बड़ी तेजी से शाम की तरफ भाग निकले और इतनी जल्दी की कि अपनी बहन सफाना को भी वहीं छोड़ दिया। मुसलमान उनकी बहन सफाना और कुछ रह जाने वाले लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ मदीने ले गए। पैगंबर खुदा ने एक काबिल एतमाद काफिले के साथ सफाना को शाम की तरफ भेज दिया। अदी बिन हातिम ने क्या किया? जब सफाना अपने भाई के पास पहुंची तो उसने अपने भाई को रसूल खुदा की सिफात के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो खुद मदीने जाए और जाकर करीब से रसूल खुदा को देखे। खुशामदीद इब्ने हातिम, खुशामदीद, इसे अपना घर ही समझो। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इब्ने हातिम, तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, कुछ लो ना भाई। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि आखिर वजह क्या है कि इतना तवील सफर करके यहाँ आए हो, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब यसरिब के हालात अब्दुल मुत्तलिब के यतीम के आने के बाद से ठीक नहीं है। सच पूछो तो मैं भी इसीलिए आया हूँ। मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि ये नया दीन जिसका हर जगह चर्चा हो रहा है आखिर कैसा दीन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मोहम्मद वाकई अल्लाह का नबी है? बड़े ताज्जुब की बात है, हातम के बेटे से ये बात बईद है कि वो इस तरह नादानों की बातों में आ जाए। तुम्हारा मतलब ये है कि? हाँ, लगता है मोहम्मद ने लोगों पर जादू कर दिया है। उसने हत्ता मेरे बेटे हंजला पर भी जादू कर दिया है। हंजला? वो भी मोहम्मद से मिल गया? हाँ, मोहम्मद के जादू का उस पर असर हुआ और वो अपनी शादी के अगले ही दिन मोहम्मद के साथ मक्के वालों से लड़ने चला गया और मारा गया। अजीब है, लेकिन जो भी उससे मिला है उसके अखलाक का कलमा पढ़ रहा है और उसके नए दीन की तारीफ कर रहा है। याद है तुम्हें, मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब तक किसी को देख न लो उसके बारे में फैसला मत करो। कैसा फैसला अदी? मोहम्मद और उसके नए दीन ने मक्के और मदीने के बुजुर्ग और सरकर्दा लोगों की हुर्मत पामाल कर दी है। जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम और तुम्हारे कबीले के गुलाम बराबर हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं, अदी की कोई खबर क्यों नहीं मिली? जनादा क्या करूं, क्यों नहीं आए? सामिया तू क्या कर रही है? रोटी पका रही हूं मालकन। रोटी का क्या करूंगी मैं, मेरा शौहर खो गया है, अब क्या करूं मैं? तू यहां क्यों खड़ा है जनादा? जी फरमाइए। तेरा आका कहाँ है? अब तो शायद यसरिब का काफिला भी वापस आ चुका है। जी हाँ, तो उनसे क्या सुना तूने? कुछ नहीं, यानी। तो मेरे सामने बात क्यों घुमा रहा है तू जोनादा? बता क्या सुना है तूने? मैंने अर्ज किया, कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब है जोनादा? जा, जब तक तेरे आका की खबर ना मिल जाए घर वापस ना आना, जाओ। जी। अल्लाह, मैं लुट गई। हातिम के खानदान का क्या होगा? बनी तय कबीला किसके सहारे रहेगा? बेआसरा हो गए, बर्बाद हो गए। ये क्या हाल बना रखा है जाला? क्या कह रही हो, क्यों चीखो पुकार कर रही हो? चीखो पुकार क्यों ना करूं? तुमने हमें बर्बाद कर दिया सफाना, तुमने बहकाया उन्हें। वो इतने नादान तो नहीं थे कि खुद को अपने दुश्मन के हवाले कर देते। पानी लाओ सायमा। जी मालकन। हाय रे मेरी किस्मत, ये देखो ये इसकी बदशगुनी। किसे क्या पता था अदी के साथ क्या हुआ? वो तो कह गए थे कि काफले के साथ जाएंगे, उसी के साथ वापस आ जाएंगे। परेशान मत हो जाला, कैसी बदशगुनी? क्या तुम सामिया को नहीं जानती? बहुत ही नालायक है, कोई पहली बार खुजा तोड़ा है। खड़ी क्यों हो, क्या कुआं और ढोल नजर नहीं आ रहा?
क्यों इस तरह बुत बनकर बैठ गई हो वहाँ? जाओ पानी लेकर आओ। जी मालकन। तेरा घर उजड़ जाए, अरे तू बर्बाद हो जाए, तेरा खानदान यूं ही बिखरता चला जाए हमेशा। हाय अदी, ये कैसी किस्मत थी मेरी, ये कैसी मुसीबत और बला थी जो हम पर आ पड़ी। कितना कहा अदी, इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं। मोहम्मद को जो चाहिए वो उससे दे दो ताकि बनी तय का कबीला तो बचा रहे। तुमने कहा भागना बेहतर है, तुमने देखा कि भाग गया। मैं जो कि अकेली अपने बाबा जान की निशानी थी, मुझे हिजाज के सहरा में छोड़कर चला गया। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। उसे बहका के बगैर लश्कर के बगैर तलवार के दुश्मन के पास भेज दिया, अब ये रहा नतीजा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अदी को हुआ क्या है? क्या चाहती थी तुम? अदी इतना नादान नहीं था कि इस तरह लापरवाही से दुश्मन के पास चला जाए। और इस कदर तुमने मोहम्मद के बारे में इधर उधर की लगाई कि वो दीवाने होकर अपनी अकल तुम्हारे हवाले कर दी। अगर मोहम्मद वैसे नहीं है जैसा मैंने कहा, तो फिर मुझे क्यों आजाद किया? क्यों उन्होंने मुझे सवारी दी? क्यों उन्होंने मुझे अकेले सफर पर नहीं भेजा? कसम है उसकी जिसे तुम मानती हो, मोहम्मद वो नहीं है जो तुम सोचती हो। मोहम्मद किसी से लड़ना नहीं चाहते। पता नहीं सफाना, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मुझे तो बस इतना पता है कि तुमने अदी को भी दीवाना बनाकर मोहम्मद के पास भेज दिया। अदी अगर जिंदा होते या तो पलट आते या कोई पैगाम भेज देते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि यहाँ बैठकर उनके फराक में अपनी आंखें सोपवार करूं। सामिया, सामिया। जी मालकन। सामिया से क्या काम है? मैं यसरब जाना चाहती हूँ। सुनो सामिया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, कहीं भूख प्यास से परेशान ना हो जाएं, उन्हें पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। बस सहने दो, तुम समझती हो कि यसरब इसी शहर के दूसरी तरफ है, जो तुम जाकर वहाँ से अदी की खबर लो। सफाना। अदी। जाला। चुप क्यों हो अदी? जब से तुम आए हो क्यों कुछ बात नहीं कर रहे हो और ऐसे ही बैठे हो? पता नहीं क्या कहूं, जो कुछ मैंने देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता। पता नहीं, मैं सो रहा था, जाग रहा था, बस इतना पता है कि उनका दीवाना हो गया हूं। मुझे पता था कि उनके दीवाने हो जाओगे। जिसका दिल भी पाको पाकीज़ा होगा तो वो रसूल खुदा को देखकर ख्वाबे गफला से बेदार हो जाएगा। क्या कह रही हो सफाना, तुम शेर सुना रही हो या दास्तान? कैसा शेर, कैसी दास्तान? मैं एक ऐसी हकीकत के बारे में बात कर रही हूँ जिसे हर सुनने वाला देखना चाहता है। हकीकत में मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वो जूदो करम का सर चश्मा है। ठीक कहती हो सफाना। कबीलों के बुजुर्गों, राहिबों, ताजरों और हाकिमों में किसी को भी रसूल खुदा जितना करीम नहीं पाया मैंने, और साथ ही वो साबिर और मेहरबान भी हैं। रसूल खुदा? तुम भी सफाना की तरह बात कर रहे हो अदी? तुमने अगर वो सब देखा होता जो मैंने देखा है तो इस तरह से बात ना करती। जब मैं उनके पास गया तो अपने चाहने वालों के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। जब मुझे देखा तो ऐसे जैसे मुझे बरसों से पहचानते हो। मुझे अदी इब्ने हातम के नाम से पुकारा, फिर बगैर किसी तकल्लुफ के मुझे अपने घर ले गए। रास्ते में हत्ता बच्चों और बूढ़ी औरतों को भी सलाम करते थे और उनकी बातों को बड़ी मेहरबानी और तवज्जो से सुनते थे। जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी चटाई मेरे लिए बिछा दी और खुद जमीन पर बैठ गए और मुझे अपने साथ खाना खिलाया। जब हम खाना खा चुके तो मैंने उनसे कहा कि आपका रवैया किसी सुल्तान या अमीर आदमी से नहीं मिलता। जानती हो क्या जवाब दिया? क्या कहा? उन्होंने मेरे वालिद के लिए रहमत और बख्शिश की दुआ की और उनकी सखावत की तारीफ की। बाबा, बाबा। उसके बाद फरमाया कि अदी इब्ने हातम, तुम तो नसरानियत के दीन पर हो। तुमने उन्हें अपने दीन के बारे में बताया था? बिल्कुल नहीं।
वो खुद जानते थे। कहने लगे क्यों अपने दीन के मुताबिक अमल नहीं करते हो। क्या मतलब था उनका? उनका मतलब ये था कि मैं क्यों अपने कौम का एक चौथाई माल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि वो अपनी मर्जी से अपना कुछ माल मुझे बख्श देते हैं। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम अपनी कौम से उनका माल लेते हो? जानती हो जाला, सफाना सही कह रही थी, सिर्फ अल्लाह का भेजा हुआ नबी इस तरह की गैब की खबर दे सकता है, इसीलिए मैंने उनके नबुव्वत की तस्दीक कर दी। मतलब तुम उन पर ईमान ले आए? वाह हो कबीले तय पर। क्यों, क्या मेरे दीन से तुम्हें तकलीफ पहुँचेगी? तुम्हारी दौलत, बागों और जमीनों का क्या होगा? बनी दे का क्या होगा? ये सोचा है तुमने कि वो अब बेघर हो चुके हैं और उनकी नज़र तुम पर है ताकि उनकी मुश्किलात को दूर करो, उनकी ज़िंदगी को फिर से सवारो। अगर ये ना किया मैं तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा जाला। मैं आज ही सबको ये पैगाम भिजवाऊँगा कि सब हिजाज वापस जाने की तैयारी करें। बनी तय की जान, माल, इज्जत, आबरू सब काबिल एहतराम है, उस पर कोई दस्तराजी नहीं कर सकता। चलो अच्छा है कि अरब के दरमियान हातिम ताई जैसे इतने सखी लोग कम नहीं हैं। मेरे बाबा बड़े अजीम और सखी आदमी थे जाला, लेकिन वो कहाँ और रसूल खुदा कहाँ। हमें चलना होगा जाला, हमें चलना होगा। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी हिजाज वापस जाने के लिए या मोहम्मद के दीदार के लिए? अदी रसूल खुदा के साथ रहे, फिर आपकी रहलत के बाद अली इब्ने अबी तालिब के लश्कर में शामिल होकर जमल, नहरवान और सिफीन के जंगों में शिरकत की। उनके बेटे जंग में मारे गए। मैंने सुना है कि मेरे चचाजाद भाई अली की शहादत के बाद मुआविया ने उन्हें ख़त लिखकर कहा कि अली ने तुम पर बहुत जुल्म किया है, क्योंकि तुम्हारे बेटे जंग में मारे गए और अली के बेटे जिंदा बचे रहे। अदी ने जवाब में लिखा कि मैंने अली पर जुल्म किया है, क्योंकि मैं जिंदा रह गया और वो शहीद कर दिए गए। चलते हैं।